मैंने सोचा भी अगर एक बहन होगी, बच्ची होगी, खुद कमा सकेगी तो किसी से वो मांगेगी नहीं। हमारे जो हॉस्पिटल है, वी हैव ट्रीटेड ओवर 1.9 मिलियन पीपल। मैंने आटा गूंदना सीखा अपने अबू से, हांडी बनानी सीखी अपने अबू से। शादी होगी, सरवर साहब का जूता मैं पॉलिश कर देती थी, शर्ट इनकी मैं प्रेस करके रख देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी सप्लाई 2 मिलियन पीपल विद वाटर डेली। सो वी वांट टू मूव आउट ऑफ पंजाब, वी वांट टू टारगेट द होल ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। आज हम मौजूद हैं सरवर फाउंडेशन में, जिसके फाउंडर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हैं और इसके वाइस चेयर मिसेस परवीन सरवर हैं। इसी के साथ साथ वो हुनरगा के फाउंडर भी हैं, जो कि सरवर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। अगर इस फाउंडेशन की बात करें तो ये फाउंडेशन वाटर फिल्ट्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे मसलों पर बात करती है। आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे मिसेस परवीन सरवर से, स्पेसिफिकली हम वुमेन एम्पावरमेंट को टारगेट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सरवर फाउंडेशन के बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी बात करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मैम, आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं आजकल। आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो जो हमारे हुनरगा थे, बहुत सारी बच्चियों ने मशीन्स कुछ उठा के घरों में ले गई, उन्होंने घरों में काम शुरू कर लिया क्योंकि कोविड की वजह से वो दायरे बंद थे। तो मैंने जिन जिन बच्चियों ने मशीनें वो ले गई, मैंने उनको कहा भी आप अपने पास रखो और अपने तरीके से, जिस तरीके से काम करना तो उनको काम कर रहा है। क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, अगर एक मोहल्ले में हुनरगाह बनाया और बच्चियों ने सीख लिया, फिर उन्होंने आना छोड़ दिया, तो जो डिज़र्विंग बच्चियाँ होती थी उनको मैं वो मशीन्स दे के, तो फिर आगे और कोई जगह पे हम दोबारा खोल लेते थे। और उसी को हम दोबारा चेक कर रहे हैं, नए साइट्स देख रहे हैं। अभी भी एक भाई हमें मिलके गया, तो वो साईवाल से थोड़ा सा आगे कुछ गांव वहाँ से बिलोंग करता है, तो उन्होंने जब किसी जगह पे मेरा वीडियो वगैरह देखा तो उन्होंने कहा भी आप मुझे बताएं भी मैंने हर गाँव में एक हुनरगाह बनाना है। तो उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, तो उधर भी हम बनाना चाहेंगे। यानी कि इंडिपेंडेंटली आपको कोई अप्रोच करता है और वो चाहते हैं कि वो उनके एरिया में भी हुनरगाह हो, तो आप उनको असिस्ट करती हैं? मैं उनको असिस्ट कर देती हूँ। बाज़ दफ़ा अगर हमारे पास फंड्स नहीं होते तो बाज़ दफ़ा डोनर कहता हम खुद ही कर लेते हैं, या हम इन पार्टनरशिप कर लेते हैं, या उनको हम गाइड कर देते हैं। सो जिस तरीके से वो हमारा चल सकता है, हम उसी तरीके से इसको कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि मेन मकसद हमारा ये है, हमारी बहनों के पास इतना पैसा होना चाहिए वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। और क्योंकि आजकल अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्होंने, हमारी बहनों को सोचना पड़ता है भी मेरे पास इतना सा पैसा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, खाना खिला लूँ, जब मैं थोड़े से पैसे रख लूँ, मैं अपनी बच्ची का दहेज तैयार कर लूँ, जब वो तैयार होगी, जवान होगी, मैंने उसकी शादी करनी। एंड आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ चॉइस। हम उस बात से निकलना चाहिए, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने हर चीज़ दे दी। और हमें औरतों को उस तरीके से उनका ज़ेहन ये होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है। अगर हमारी बच्ची पढ़ना चाहे वो पढ़ के खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और हम उस सिस्टम से निकलना चाहिए, क्योंकि देखें ना, मुझे ले लो, मेरे माँ बाप ने जो भी मुझे दिया था, एक साल चला होगा फर्नीचर, 5 साल चला होगा, उसके बाद मैंने नया फर्नीचर ले लिया, नई चीज़ें ले ली, तो वो सारी ज़िंदगी चीज़ें नहीं चलती। तो वो जो शादी होती है उस वक़्त उस मर्द का ज़ेहन होना चाहिए, द शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको मैंने लुक आफ्टर करना, उसके लिए मैंने प्रोवाइड करना, तो फिर ही एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। ये आपने वाकई बहुत अच्छी बात की कि बजाय इसके आप उनके जहेज में इन्वेस्ट करें, आप उनके एजुकेशन में और उनको एम्पावर करने में इन्वेस्ट करें, ताकि वो खुद के लिए भी कुछ कर सकें। अच्छा मैम, जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमारे माशरे में अब इसको बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लिया जा चुका है। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिनके बाद अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लोगों के जहनों में ये चीज़ आता है कि अगर एक औरत बाहर निकल के सड़कों पर निकल के शोर मचा रही है कि जी मुझे एम्पावर करो, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कि एक मेरे ख्याल से गलत कॉन्सेप्ट फैल गया। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखें ना, अगर औरतों को कोई बात उनकी नहीं मानी जा रही, देन दे हैव दोस रिस्ट्रिक्शंस। मेरे ख्याल हर एक का हक है वो ना डेमोंस्ट्रेट करें, वॉक करें, लोगों को बताएं भी ये हमारे इश्यूज़ है। क्योंकि बहुत सारे हमारे इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में है। एसिड के साथ कितनी बच्चियों की शक्लें बदल गई है, कोई पकड़ा नहीं जाता।
और ये होता है कोई किसी के साथ शादी करवाना चाहता है, वो बच्ची कहती मैंने नहीं करवानी, तो आगे से वो एसिड फेंक देता है। बिल्कुल। तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन दैट शुड बी अवॉइडेड। तो अगर किसी ने आवाज़ उठानी तो इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, हमें उनको देख कर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। औरतों ने अगर काम पे जाना तो उनके लिए वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई उनको हरास करता है तो उस इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए भी, अगर एक बच्ची आती है उनको हरासमेंट हम नहीं करना, उनको एक हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी एक दोस्त की तरह उनको हम देखेंगे तो वो सेटल हो जाएगी, काम करेगी, क्योंकि 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। बिल्कुल। मैंने खुद बचपन में, मेरे अबू ने हमारी घर की बिज़नेस थी, उन्होंने मुझे बिज़नेस में मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स देती थी, काम करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे अबू ने कहा मैंने गाड़ी सीखनी, मैंने गाड़ी सीखी। मेरे ख्याल से जब भी हमारी जो बच्ची हैं उनको इनक्रेज करना चाहिए। मैंने अपने बचपन में हर बात में अपने अबू से शेयर करती थी, मैंने आटा गूंदना सीखा अपने अबू से, हांडी बनानी सीखी अपने अबू से, और मेरे अबू ने मुझे गाड़ी का कहा भी आपने सीखना, वो मैंने सीखा, घर की बिज़नेस कैसे चलती वो मैंने सीखा। अगर वहाँ कोई क्लासेस होती थी, सोइंग क्लासेस, फर्स्ट एड क्लासेस, तो मेरे अबू सबसे पहले मेरा नाम लिख देते थे दैट आई वुड अटेंड दोज क्लासेस। मेरे ख्याल से हमें जितना यकीन हम अपने बेटों के ऊपर करते हैं उतना ज़्यादा यकीन हमने अपनी बेटियों के ऊपर करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी बेटी होती है ना वो हमेशा हमेशा अपने अबू की ज़्यादा करेगी। इत्तफाक से होता है, मैं अपनी बेटी के लिए हर काम करती हूँ, पर अगर मेरी बेटी को हम दोनों से एक को चुनना पड़े, शी वुड पिक हर फादर ओवर मी। मैं वहाँ जाकर उसकी मदद भी करती हूँ, हर चीज़ भी करती हूँ, बट शी विल ऑलवेज She's always being close to her dad. आपने मदर और चाइल्ड हेल्थ पर भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसके हवाले से भी रन किए। मेरे ख्याल से हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत कम लैकिंग है कि औरतें जो है रिकग्नाइज़ नहीं कर रही होती कि उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर उनके बच्चों के लिए या उनकी फैमिली के लिए, या माशरे के लोग भी नहीं रिकग्नाइज़ कर रहे होते कि एक हेल्दी माशरे के लिए एक औरत का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताइएगा। जो हमारा मदर एंड हेल्थ काम था, मदर एंड चाइल्ड का, हमने शुरू किया था। जब भी कोई मेल्स भी आते हैं उनको भी हम मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, पर हमारा मदर एंड चाइल्ड इसलिए हमने नाम रखा था ताकि औरतों को पता चले भी हम भी जा सकती हैं। और दूसरा ये भी है क्योंकि अगर कोई भी माँ होगी, अगर उनको लगेगा मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो खुद सैक्रिफाइस करेगी, अपने लिए वो चीज़ नहीं लेगी, अपने लिए वो खाना नहीं खाएगी, सबसे पहले वो सोचेगी मैंने अपने बच्चों को खिलाना, मैंने अपने खावन को खिलाना। इसी तरह जब हेल्थ की बात आती है तो इसी तरह वो हेल्थ के हवाले से भी होता है। तो बार दफ़ा जो हमारे पास बहनें आती हैं उनके बड़े माइनर इश्यूज होते हैं, बच्चों को स्केबीज हो जाती है, स्टमक वर्म्स हो जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, फिर उनके पास पैसा नहीं होता हम रिक्शा लेके बच्चों को हॉस्पिटल तक ले जाएं। तो हम उन्हीं माहौल में जाते हैं, उन्हीं एरियाज़ में जाते हैं जो जिधर वो कंफर्टेबली आ सकें, और ओवर द काउंटर हम उनको मेडिसिन दे देते हैं, और कॉस्टली भी नहीं होती। बाज मेडिसिन यकीन करें 20 रुपीज़ की है, पर वो घर वाले 20 रुपीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर उनके घर में तीन लोग हो, तीन लोगों को वो छोटी छोटी बॉटल्स चाहिए, वो 60 रुपीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। सो वी हैव ट्रीटेड ओवर 500,000 पेशेंट्स इन आवर हेल्थ कैंप्स। इसी को मैं दोबारा लगाना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। वी हैव 14 अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क विद अस, चाहे हम हाइपेटाइटिस के कैंप लगा लें, चाहे हम मदर एंड चाइल्ड के लगा लें, वो डॉक्टर्स नर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन वो ले आते हैं, कुछ हम परचेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने यूनिटी में काम करना है। जब इंसान की बात आती है मेरे ख्याल से उस वक्त हम कोई पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, और एम शुड बी दैट वी शुड लुक आफ्टर द पीपल दैट नीड द हेल्प एट दैट टाइम। तो मेरे ख्याल से जब हम यूनिटी में करते हो आसान हो जाता है, बिकॉज कलेक्टिवली हम काम करते हैं, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा सकते हैं। सो हाइपेटाइटिस की जैसे मैंने बात की है, हम 14-15 ऑर्गेनाइजेशंस हेपेटाइटिस पे काम कर रहे हैं, मैंने MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम ग्राउंड वर्क करेंगे, उनके ब्लड सैंपल्स हम करेंगे, उसके बाद जो PCR होगा, मेडिसिन होगी, उन एरियाज़ में वो हमारी गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल तक नहीं जाते। बिल्कुल। वो मेडिसिन आउट ऑफ डेट हो जाती है, ज़ाया होती है। सो वी वॉन्ट टू ट्राई टू रीच दोज पीपल
जिनके पास पैसा नहीं वो खुद जा सके हॉस्पिटल तक। तो मैम, हमने वुमेन एम्पावरमेंट के मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनके बारे में तो हमने बात कर ली, अगर हम ओवरऑल सर्वर फाउंडेशन की बात करें तो कितने प्रोजेक्ट्स पर ये करंटली वर्क ऑन कर रही है? एक तो हमारे पानी का प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वी सप्लाई 2 मिलियन पीपल विद वाटर डेली बेस पे, एंड हमारी टारगेट है 2.2 मिलियन बाय द एंड ऑफ द ईयर। सर्वर साहब की टारगेट है वी वॉन्ट टू डू द होल ऑफ पंजाब इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बलूचिस्तान में भी लगा दिए, 1 KPKB भी लग गया, सिंध में भी हम 2 लगाने लगे हैं। सो वी वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ पंजाब, वी वॉन्ट टू टारगेट द होल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी जगह हमें मिलती, कोई भी डोनर आता है तो उनको मैं कहती हूँ हम वहाँ लगाते हैं जिधर उनको वैसे खाले का पानी भी नहीं जाता। एक गाँव है इधर टोबा टेक्सन के साथ, उनके पास वैसे कोई पानी नहीं था, ना खाले का पानी ना दूसरा पानी, और साथ वाले गांव से वो पानी लेके आते थे। तो मैं जब भी औरतों की जब हम बात करते हैं, जब भी मैं एक बहन को देखती हूँ उन्होंने सिर के ऊपर एक कड़ा रखा है और जा रही है गांव में और नंगे पांव जा रही है, पानी लेके जा रही है, तो मैं सोचती हूँ हम टैप खोल लेते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कितना पानी ज़ाया कर देते हैं, और ये बहन पता नहीं कितनी दूर तक ये गई है और कितनी दूर तक इसने पानी लेके जाना और सिर्फ ये पीने के लिए पूरा होगा, और उसके बाद उनको हेडेक्स होने लग जाते हैं, डिप्रेशन होने हो जाता है करके वो इतना वज़न उठा के लेके जाती है। तो अभी कल मैंने बात कर रही थी, किसी के साथ बात कर रही थी, हम सोच रहे थे जैसे बाहर वाले मुल्कों में जब एल्डरली हो जाते हैं तो उनके लिए एक ट्रॉली होती है, ट्रॉली के अंदर वो शॉपिंग रख लेते हैं, अगर हो सकता है इन फ्यूचर को इस तरह का कोई इन्वेंशन बन जाए जिसके ऊपर वो व्हील्स हो जाएं और उसके अंदर वो पानी डाल के वो जो बहन है वो उसको ट्रॉली की तरह वो ले जाए भर के और वापस घर ले जाए, तो मेरे ख्याल से होल्ड ना करना पड़े, होल्ड ना करना। पर हमारा एम यही है क्योंकि अभी भी हमने रमज़ान में 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाए थे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सन में, तो वहाँ एक गाँव 100 ईयर ओल्ड वो गाँव, वहाँ से लोग जो रहते हैं, अब हमने उनको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिया, उससे पहले उनके पास पीने का साफ पानी नहीं था, येलो कलर का पानी था और वहाँ से जानवर पीते थे और वहाँ से वो पीते थे, और कह रहे थे तकरीबन हर घर में बीमारियाँ थी, स्टमक वर्म्स की, स्केबीज की, डायरिया की, और जब से हमने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया तब से उन लोगों की सेहत अच्छी हो गई, बल्कि उन्होंने उनके साथ एक नलका भी लगा दिया जिधर औरतें आके कपड़े धो लेती है, बच्चों को नहला लेती है और जानवरों को पानी भर के वो साथ साथ एक साइड पे बांध के पानी पिला के वहाँ उन्होंने एक छोटा सा बना दिया और वापस ले जाती हैं, इट्स कनेक्टेड विद द सेम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, यानी कि एटलीस्ट घर की जरूरत के लिए जो पानी इस्तेमाल करना है उसके लिए भी उनको साफ पानी वहाँ साफ पानी मिलेगा। तो पानी का प्रोजेक्ट हो गया, हुनर गाह हो गई, मैम इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ घर को भी कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर में जब मैं शुरू में आई थी तो घर में मैंने बहुत सारे मुलाजम रखे थे और ख़ुद मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो उनको हमने यही रखा था भाई आपने रसीड्स ले जाना और ऑफिस से पैसे ले आना, और उसके बाद जब मैंने देखा तो वो साफ बिल्कुल सही नहीं था, फिर मैंने सारा जो किचन का साफ दूसरा साफ वो सारा मैंने इकट्ठा किया, अभी इतना हमारा खर्चा होगा, ये हमारे मुलाजम होंगे, तो उसको मैंने सारा थोड़ा सा इन प्लेस किया। जब घर में इतनी चीज़ें आ जाती क्योंकि सर्वर साहब को लोग जानते भी हैं, हमारी खुद की ज़मीनें भी हैं, और घर में जब भी कोई आम बातें चीज़ें आती तो हमने उनको मुलाजमों को कहा भी आपने अगर बाहर गार्ड्स को बांटना तो पूरे जितने हमारी गली में जो बाकी घरों के गार्ड्स हैं उनको भी देना है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पर 100% यकीन रखती हूँ कि जिसकी मोर लगी हुई है उसी ने खाना है। यानी कि आप थ्रू आउट द डे बहुत एक्टिवली काम कर रही होती हैं, घर के भी चीज़ों को देख रही होती हैं, ऑफिस के मामलों को भी देख रही होती हैं, और फिर अगर आउट ऑफ सिटी का कोई विजिट आ जाए तो आप वहाँ भी सारा कुछ जाके मैनेज कर रही हैं। वो मैनेज कर लेते हैं, मेरी कोशिश होती है सर्वर साहब से मैं पहले पहुँच जाऊँ ताकि एक घंटे के लिए वो मैं देख लूँ, अगर मैंने कोई प्लानिंग करनी है, चाय पी ली वो कर लिया। अच्छा मैम, अगर हम आपकी लाइफ की बात करें, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड कब फील किया, या आपके लिए ये फीलिंग क्या थी? जब मैं पली हूँ वहाँ मेरे अलावा कोई और मुस्लिम बच्ची नहीं थी, तो हमारी गार्डन काफ़ी बड़ी थी, तो सारे इर्द गिर्द के जो घर वाले थे, चाहे वो लड़के थे चाहे वो लड़कियां थी, हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और मेरे अम्मी मुझे कहती थी भी मेरे अब्बू को आपने अपनी बेटी को बड़े टॉम बॉय की तरह उसको रखा हुआ तो आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, बल्कि ये भी कह देती थी इनको काम भी नहीं करती
आपको इनके लिए कोई मुलाजम रख कर देना पड़ेगा, जिस तरह आमतौर पर माएं कहती हैं कि आपने बिगाड़ रखा है, शादी के बाद आपको ही सुनना पड़ेगा। उस वक्त हमारे पास कोई मुलाजम नहीं था, तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, तो मैं अब सरवर साहब को कहती हूँ, मेरी अम्मी की दुआ लग गई, अब मेरे पास मुलाजम है। तो मेरे अब्बू ने किसी चीज़ से मना नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी। मुझे याद है एक दफ़ा हम एक घर से गुजर रहे थे, तो वहाँ सेब अच्छे थे, उन हमारे गार्डन में भी एप्पल्स लगे हुए थे, पर जो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं इस घर के एप्पल्स बड़े अच्छे थे, हमें यहाँ से एप्पल लेके आने। तो मैं वॉच मान की तरह वो गेट पे खड़ी होगी भी, अगर कोई आएगा तो मैं आवाज़ दे दूँगी, आप लोग अंदर चले जाएँ और सेब ले आएँ। तो जब मैं वापस घर आई हूँ, तो वो घर वाली ने मेरे अबू को बता दिया भी आपकी बेटी एक ग्रुप के साथ मेरे गार्डन में इस तरह एप्पल चुराए थे, किए थे। तो जब मैं घर आई तो मैंने अपने अबू को कहा भी आपको कैसे पता भी मैं वहाँ थी, वैसे मैंने तोड़े नहीं पर मैं वहाँ खड़ी रही और देखा। तो मेरे अबू ने मुझे आगे से कहा भी आपके जो कलर है, आपके अलावा इधर कोई भी नहीं रहता जिसका ब्राउन कलर होगा जब काले बाल होंगे, तो कैसे नहीं मुझे पता चलेगा। तो आगे से मेरे अबू ने मुझे कहा भी ना अभी बेटा इस दफ़ा ये कर दिया, दोबारा नहीं करना, अगर कोई भी कहेगा उनका साथ नहीं देना, हमारे गार्डन में लगे हुए वो कर लेते, जब उस डोर को नॉक कर देते भी हमने आपके एप्पल्स लेने तो दे देती। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन। एंड फिर उसके बाद आई स्टेड अपसेट फॉर मेनी डेज भी, मैंने अपने अबू का दिल दिखाया दैट यू नो ही इज़ अ ट्रस्ट इन मी। बट बचपन में हम बड़े काम करते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं, उस वक्त बचपना होता है, नहीं पता नहीं अंदाज़ा होता है इन सब चीज़ों का भी क्या हमने करना है। एंड और उसी तरह जब हम कपड़े भी पहनते थे, मैंने एक ही दफ़ा शॉर्ट स्लीव्स पहनी, और उसके बाद मेरे अबू ने कहा भी अगर यहाँ से यहाँ तक पहन लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है, सो आई नेवर वोर लॉन्ग स्लीव्स अगेन। तो मैम हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल लड़कियों ने एम्पावरमेंट को बड़ा अच्छा तरीके से अपने ऊपर जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और वो खुद चाहती भी हैं कि वो अपने लिए नए रास्ते खोलें। अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है लड़कियों का, औरतों का घर से बाहर निकलना भी मायूब समझा जाता था, और अब उनके जितनी लिमिटेशंस थी वो उसको भी ओवरकम कर चुकी हैं माशाल्लाह से। हमने बहुत सारी फीमेल्स ऐसी देखी जो खुद स्कूटी ड्राइव कर रही होती हैं, बाइक ड्राइव कर रही होती हैं और अपने काम कर रही होती हैं। लड़कियां ऐसी देखी जो काम पर जा रही होती हैं या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही होती हैं तो बाइक पर जा रही होती हैं। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखती हैं? मेरे ख्याल से काम करना कोई बुराई नहीं है, और आजकल एक्सपेंसेस इतने हो गए, और अगर बच्चियाँ काम करना चाहें तो वो एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री को देख लें, कुरान पाक को देख लें, हज़रत खदीजा खुद एक बिजनेस वूमन थी बेशक, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उन्होंने काम करते रहे, फिर उन्होंने उनके बाद उनको वो इनाम मिला था, ही वाज़ द मोस्ट ऑनेस्ट। तो उसके बाद प्रपोजल शादी वगैरह का गया। तो अगर हम दीन को ही देख लें तो हम लोग अभी भी फोर्स मैरिजेस करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, बेटियों को पूछ के थोड़ी सी उनकी राय के साथ शादियां करनी चाहिए। अगर किसी ने बिजनेस करनी, काम करना, अगर उनमें एबिलिटी है तो कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से हर औरत को, हर बच्ची को अपने लिमिट्स का पता होता है, हर एक को पता होता है भी मेरे साथ मेरे अबू की इज़्ज़त जुड़ी है, मेरे भाइयों की इज़्ज़त जुड़ी है, उसके बाद शादी हो जाती है खामत की इज़्ज़त जुड़ी है। तो हर काम मेरे ख्याल से एक औरत समझदारी से कर लेती, दे जस्ट नीड दैट ट्रस्ट, दे जस्ट नीड दैट कॉन्फिडेंस। जैसे मुझे देख लो, मैं कोई काम ना कर पाती अगर मुझे पता ना होता भी सरवर साहब नोस इट, आई नो माई लिमिट्स, मैंने हर बात उनसे शेयर करती हूँ, हर बात बताती हूँ। बाज़ार भी जाना होता है, अगर कभी मैं ना भी बताऊँ तो जब वो रात को आते हैं तो मैं उनको ज़रूर बताती हूँ भी मैं बाज़ार में गई थी, बिकॉज़ आई फील ही शुड नो वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। मैम अगर हम इंडिपेंडेंट होने की बात करें तो आप कभी खुद ड्राइव करके बच्चों को ड्रॉप करने या फिर ग्रोसरी करने गई हैं? यूके में रहते हुए मैं ही बच्चों को ड्रॉप करती थी, मैं ही बच्चों को पिकअप करती थी। फिर उसके बाद जब सरवर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने इन 1997, तो उसके बाद ये चार दिन लंदन में रहते थे, तो ग्रोसरी मैंने ही लेके आनी, बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, सरवर साहब को एयरपोर्ट छोड़ के आना, सरवर साहब को एयरपोर्ट से पिक करके आना, तो मैं ही करती थी। तो मेरे ख्याल से ड्राइव करना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आई फेल्ट सेफ। और अगर एक माँ खुद अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाती है, खुद लेके आती है, वो भी उनको सेफ्टी होगी, बच्चों की तसल्ली होगी, मैं इनको छोड़ के आती हूँ, इनको पिकअप करती हूँ। सो कमिंग बैक टू सर्वर फाउंडेशन, जब आप किसी को अपनी फाउंडेशन के लिए डोनेशन का या किसी भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन का प्रपोजल भेजती हैं, तो सर्वर साहब को जो रेफरेंस है वो कितना मैटर कर रहा होता है?
हम फंड रेजिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने फाउंडेशन शुरू की थी, हमने फैमिलीज और उसके बाद फैमिली एंड फ्रेंड्स से शुरू की थी। वो सारे डोनेशन उन्हीं से आते थे। सरवर साहब ने, अगर उनका कोई दोस्त टोबा से बिलोंग करता, उनको कह देते थे भी आप टोबे में पानी लगा दें। अगर कोई चीचावती में बिलोंग करता तो उनको कहना आप चीचावती में लगा दें। सो इट वॉज वेरी मच अ फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब से मैं इधर आई हूँ, आई हैव जॉइंड हैंड्स विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, और वही बात आ जाती है, अल्लाह ताला जिसके दिल में डालता है उसी ने ये काम। यानी रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, आपको कभी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारी फाउंडेशन है, 100% जो भी डोनेशन आता है वो ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। इनके लिए मैंने कभी अपने ऊपर या सरवर साहब का जो हमारा खर्चा कोई आने जाने का कुछ भी कोई कभी भी नहीं फाउंडेशन से लगाया। हम अपने पास से अपना किराया लगाते हैं। कभी भी हमने किसी जगह पे जाना है, मैं अपना पेट्रोल खुद डालती हूँ। मेरी गाड़ी बाहर देख लो, मेरी खुद की गाड़ी है। कभी कभार मैं गवर्नर हाउस की गाड़ी यूज़ करती हूँ। इवन मैंने आज गवर्नर्स वाइफ, व्हेन आई गेट इनवाइटेड, वेरी ऑफन आई यूज़ माई ओन कार। कभी कभार होता है ड्राइवर छुट्टी पे गया है, कार की सर्विस होने वाली है, तो मैं वो गाड़ी यूज़ कर लूँ। क्योंकि मैंने ये सोचा कि हमने वापस इंसानों के ऊपर लगाना है। वी वॉन्ट टू गिव बैक समथिंग टू आवर कंट्री, बिकॉज हर चीज़ से ना तो हमारे साथ कुछ जाएगा, माल ही जाएंगे। अच्छा मैम, हम आपके विजिट्स की बात करेंगे कि ऑल ओवर पंजाब में आपकी फाउंडेशन काम कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपने सेंटर्स बनाए हुए, और आप विजिट के लिए भी जाती रहती हैं, तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल वाकया जो आपको अभी तक याद हो इन विजिट्स के दौरान हुआ? मेरे ख्याल से जो मेरा हुनरगा का था वो मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि आई वेंट टू थोबा टैक्सिंग, वहाँ मेरी नंद रहती है। तो जो गांव की औरतें थी वो इकट्ठी हो गई, भी गवर्नर की बीवी आई, हमने मिलना, चार पाइये रख दिए और उसके ऊपर हम लोग बैठ गए। तो जब मैंने बहनों के साथ बात करना शुरू किया तो मुझे पता चला भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो किसी के घर में काम करती है, उसको खाना मिलता है, वो पल्लू में डाल लेती है, घर जाके बच्चों के साथ खा लेती है। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका खामंद फौत हो गया, घर वालों ने छोड़ दिया, भी हमें इसको पैसे ना देने पड़े। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग हुनरगा। तो मैंने सोचा भी अगर एक बहन होगी, बच्ची होगी, खुद कमा सकेगी तो किसी से वो मांगेगी नहीं, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगी। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हुनरगा। तो उसके बाद हुनरगा को करते करते जब मैं एक दो जगह पे गई तो जहाँ वहाँ मैंने जाके देखा तो औरतें इकट्ठी हो जाती थी, उन्होंने कहना मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग द हेल्थ कैंप्स एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मेरे ख्याल से हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे नाम के लिए जो इज़्ज़त हमारे लिए लिखी है, देखिए जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो हम लोग रोने लग जाते हैं जब हमारे घर रहमत आती है। अच्छा मैम, अगर हम सर्वर फाउंडेशन की कुछ स्टैट्स की बात करें कि कितने लोग इससे अब तक बेनिफिट हो चुके हैं, तो उनके बारे में हमें बताइएगा। जो हमारा वाटर प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ 2 मिलियन लोगों को डेली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और हम 2 मिलियन का इस तरीके से हिसाब लगाते हैं जैसे आप दाता दीबार को लगा लें। दाता दीबार में अनकाउंटेबल लोग आते होंगे जो विज़िट करते होंगे, पर हमने सिर्फ उस एरिया का नंबर उसके अंदर काउंट किया। उसके साथ साथ अभी हमने एक गांव में लगाया टोबा टैक्सन में, तो उन्होंने हमें ये बताया साथ वाले गांव वाले लोग भी रेड़े के ऊपर आ जाते हैं और पानी लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद शेखापुरा में हमने एक आईजी ऑफिस में लगाया, वो पाइप्स ले गए, उन्होंने प्रेजेंस को भी पानी जा रहा है, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी पानी भर के आते हैं। पर हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट किया जिन लोगों के लिए हमने वो नज़दीक रहते हैं, टारगेटेड ऑडियंस थी। हाँ जी, तो ये नंबर इससे ज़्यादा ही होगा, ये एक थोड़ा सा रफ एस्टिमेट है जो आप उस करीब तरीन पॉपुलेशन का लगा रहे हैं। यस ठीक है। अगर हम हेल्थ पर आए, जो हॉस्पिटल्स आपके काम कर रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल है, वी हैव ट्रीटेड ओवर 1.9 मिलियन पीपल इन आवर हॉस्पिटल। एंड जो आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बेबीज हैव बीन बॉर्न इन आवर हॉस्पिटल। और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए हमने एक सदका काउंटर रखा है, वहाँ वो फॉर्म भर देते हैं, उनका इलाज फ्री हो जाता है। उसके अलावा हमारे प्राइवेट रूम्स भी है, प्री प्राइवेट भी है, कुछ वो पे करना चाहते हैं, कुछ हम लोग दे देते हैं, तो इसी तरीके से वो चलता है। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका हम फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो
इसी तरह हॉस्पिटल चलता है। उसके अलावा मैंने हेपेटाइटिस की भी बात की है, उस पर भी मैं काम करना शुरू करना चाह रही हूँ। उसके साथ साथ हम ग्रुप्स बनाएंगे, डिफरेंट एरियाज में काम होगा, तो इंशाल्लाह उसको भी हम आगे लेके चलेंगे। हमारा मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज है, बट साथ साथ बहुत सारे लोग दिल वाले भी रहते हैं जो मुल्क के लिए करना भी चाहते हैं। मैं इस साइड पे जाती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना हिसाब किताब देना है। बिल्कुल, अल्लाह तो हर एक को देख रहा है, कोई करप्शन कर रहा है उसको भी देख रहा है, जो नहीं कर रहा उसको भी देख रहा है, जो नेकी के राह पे जा रहा है उसको भी देख रहा है। मैंने तो सिर्फ अपना हिसाब किताब देना, तो मैंने सिर्फ अपनी बात करनी है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं सर्वर फाउंडेशन के? फ्यूचर के प्लान्स यही है, अभी मैं दोबारा मदर एंड चाइल्ड के काम हम दोबारा शुरू करेंगे, थोड़ा सा हम कोविड से निकलते हैं, फिर उसके साथ साथ फिर हमारे हाइपेटाइटिस के काम होंगे, फिर हमारा स्कूल जो अभी है उसको हमने बंद किया, पर हम हमारी टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग दे रही है, एजुकेशन का काम भी अभी तक चल रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है। ड्यूरिंग कोविड-19 हमने थ्रू सर्वे फाउंडेशन ओवर 65,000 राशन हमने बांटे हैं, एंड दैट इज़ फॉर वन फैमिली फॉर वन मंथ जो हमने दिया। हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद कश्मीर तक भी हमारे गए राशन, उसके अलावा सैनिटाइजर्स, फेस मास्क प्रिजन्स में भी हमने पहुँचाए हैं। प्रिजन में भी मैंने हुनरगा बनाया, जो हमारी प्रिजन्स में बहनें रहती हैं, वी हैव डन 15 प्रिजन्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी हमने एक हुनरगा बना के दिया, एक ब्यूटी पार्लर बना के दिया, क्योंकि वहाँ जो बच्चियाँ होती हैं उनकी फिर लड़ाई नहीं होती, अनकंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए कोई एक्टिविटी हो जाती है, और जब वो बच्चे वहाँ से जाएंगे उनको हमें ट्रेन करना है। और मैं इस बात को कभी मैंने नहीं सोचा अभी कोई काम बड़ा या छोटा, मैं बचपन में अपने अब्बू की शर्ट मैं इस्त्री करके देती थी, जूता मैं अपने अब्बू का मैं पॉलिश करके देती थी, शादी होगी सरवर साहब का जूता मैं पॉलिश कर देती थी, शर्ट इनकी मैं प्रेस करके रख देती थी। अब तो इनके मुलाज़िम हो गए, पर फिर भी कभी कभार अभी भी जो मुझे लगे ये साफ़ नहीं तो मैं साफ़ कर देती। मेरे हस्बैंड है, उनकी काम करना, उनकी चीज़ें निकालना, उनके कपड़े सुबह निकाल के देना मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग दैट यू केयर फॉर वन अनदर। तो 3 मिनट लगते हैं इनके कपड़े निकालने में, अगर 3 मिनट के लिए मैं इनको दे देती हूँ और सारा दिन ये खुश रहते हैं तो मेरे लिए और क्या इससे बेहतर हो सकता है। तो अगर हम इस छोटी छोटी बातों को सोच लें, भी हमने रिश्तों को कायम करना है, रिश्तों को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, यूनिटी पैदा करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा मैम, हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं, तो एंड पर आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके लिए गाइडलाइन रहा, और अब आप चाहती हैं कि बाकी लड़कियों के लिए भी वो एक गाइडलाइन बनकर रहे? सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए था, इट वॉज़ द गाइडेंस ऑफ माई फादर। उन्होंने कहा था भी अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको बार बार बोलना पड़ेगा, सच बोलेंगे तो एक ही दफ़ा सच बोलना पड़ेगा। और उसके बाद ही गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस दैट ही सेड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड माई सेल्फ। और गाड़ी मैंने सीखी, हर चीज़ मैंने सीखी। जिस दिन मेरी शादी थी, जिस दिन मैंने घर से रुखसत होना था, तो मेरे अब्बू मुझे अलग ले गए और उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा भी आपने जेवर और कपड़े को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, और मत सोचना भी मैंने जेवर और ख़रीदना, कपड़े और ख़रीदने, एक साथ दोनों ने चलना, ट्राई टू लर्न टू अंडरस्टैंड वन अनदर एंड सपोर्ट वन अनदर एंड वर्क टुगेदर। तो मैंने इसी तरह किया। शादी के तीसरे दिन मैं इनके साथ दुकान पे जाने लग गई, तो वी स्टार्टेड द फैमिली बिजनेस टुगेदर। उसमें मेरा देवर, माई फादर इन लॉ, वी ऑल यूज़ टू वर्क टुगेदर, इट वॉज़ वेरी मच अ फैमिली बिजनेस। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में चले गए, साथ मैंने इनके साथ कैंपेन किया, हमने मिलकर काम किया। तो मैं इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ, मर्द की एंड पे मर्द का फैसला होना चाहिए घर पर ये मतलब नहीं भी हम मशवरा नहीं दे सकते, हम अपना थोड़ा सा हिस्सा नहीं डाल सकते, कंसल्टेशन नहीं कर सकते, पर उसके बाद ना हमने वो भी उसके ज़्यादा दे दी इम्पोर्टेंट, उसको दे दी। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है, माँ ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इस बातों से हमने निकलना चाहिए। वी शुड ट्राई टू घरों को जोड़ कर रखना चाहिए, और जो हमारी बेटियाँ उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसको प्यार देना चाहिए, ताकि जब वो घर से जाएँ उनके साथ वो अच्छी यादें जाएँ। क्योंकि जो मेरा बचपन है, जब मैं बचपन के बारे में सोचती, मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा, कोई डांटने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, घर के गोरों में मैं पली थी, आई वाज़ द ओनली गर्ल, पर उसके साथ आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग बैकिंग, यू नो, आई हैड दैट लव एंड दैट फीलिंग, दैट यूनिटी that made me strong as a person. भी मैंने इसी को लेके चलना है, that I don't want to let my father down. मेरे अबू ने मुझे ये सिखाया, अगर मैं ये करूँगी तो मेरे
अबू होंगे ही विल बी डिसअपॉइंटेड इन मी सो आई डिडंट वांट टू लेट माय फादर डाउन सो दैट वाज माय वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी। जी तो नाज़रीन, मिसेस परवीन सरवर के साथ जो हमने गुफ्तगू की वो आपने सुनी। सरवर फाउंडेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना। इसके साथ साथ उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हमें छोटे छोटे ऐसे मैसेजेस दिए जो लड़कियों को अपने आप को स्ट्रेंथन करने में, अपने घरों को जोड़े रखने में यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नक़वी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।